दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। अगर मैं बात करता हूं करीबन 0.5% की गिरावट अभी तक स्टॉक बनाकर दिखा चुका है। 1362 रुपये पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं वन डे चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखेंगे यहां पर एक डाउनफॉल अभी भी स्टॉक में जारी है। अगर यही गिरावट जारी रहती है नीचे की तरफ 1300 रुपये का एक सपोर्ट लगाकर चल सकते हैं। इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है। अगर इसको भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है 1250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन यहां से रिकवरी बनती है एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 1400-1450 तक के टारगेट भी स्टॉक अचीव कर सकता है अगर रिकवरी बनती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल है करीबन 1518 रुपये का। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ब्रेक नहीं करता कोई भी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं इस रेजिस्टेंस लेवल को पहले ब्रेक होने दें तो अभी केवल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाकर चलनी है। सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है तो यही स्ट्रेटजी अपनानी है इन्फोसिस स्टॉक में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।